वादी पार्टी के तरफ से 14 तारीख को 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह मनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि हमारे देश के कानून के, संविधान के निर्माणकर्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं और दलित, अति पिछड़ों, सारे जाति के शुभचिंतक मसीहा रह चुके हैं और हमारे स्वर्गीय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर पद्म भूषण श्री राम विलास पासवान साहब बहुत आस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति रखते थे और उनके द्वारा भी काफ़ी धूमधाम से यह जन्मोत्सव को, जयंती को मनाया जाता था, ठीक है ना। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस साहब, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके तरफ से ये निर्णय हुआ कि इस जयंती को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाए। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे पटना में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, सारे चीज़ों से बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम का पूरा होर्डिंग और प्रचार प्रसार के माध्यम से ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए जो कि लोगों को लगे कि राष्ट्रीय जो लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कम से कम एक पार्टी ऐसी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती काफ़ी अच्छे तरीके से मनाने का काम कर रही है और दलित, पिछड़े, शोषित का एक पुराना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है, पार्टी मानी जाती है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से इसको गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक प्रचार करवाया जाए कि 14 तारीख को यहाँ लोग आए, जयंती में शरीक हो और उनके लिए खाने का भी इंतजाम किया। विशेष के नहीं थे, भारत रत्न थे, पूरे देश के लोगों का आस्था है उनको, जो जो मानने वाले हैं, चाहे उनके कदमों पर चलना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती मनाने स्वागत है, बधाई है। कैसा पानी बना रहे हैं, तो यह चीज क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, बात बताई है। तस्वीर को सर फेंक करके और फिर उनको अपमान करके सम्मान देना, तस्वीर को फेंक करके अपमान देना, अपमान करना, पहले जो ये ड्रामा और नाटक किए हैं उनसे पूछिए। चिराग पासवान जी आप देखे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कैसा मूर्ति फेंका गया, ये पीतल का बना हुआ और काला हो गया। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा को साफ नहीं कर सकते हैं, सहेज के नहीं रख सकते। और ये बताइए ना कि चिराग पासवान जी और उनके परिजन का कोई कीमती सामान आप फेंके हुए देखे, आप उस फोटो और फुटेज के पहले तमाम नेशनल चैनल और स्टेट का चैनल मीडिया में चलाया, ट्रक पर लाद कर उनका घर का सामान जा रहा, ट्रक पर लाद कर उनके घर का सामान जा सकता। और उनके पासवान जी का तस्वीर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा जो सर पर फेंका गया, चिराग पासवान माइलेज लेने के लिए जान बूझ करके सड़क पर फेंक करके और फोटो खिंचवाने का काम किए हैं, चिराग पासवान को नैतिक अधिकार नहीं है 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती मना, चाहे पासवान जी का जयंती और पिता कहें चाहे जयंती मना में चाहे पुण्यतिथि मना, वो दोनों आदमी को अपमानित करने का काम किए। और चिराग पासवान को आज हम संदेश देना चाहते हैं कि देश का कानून से आप महापुरुषों से खेलना बंद करें, यदि खेल रहे हैं तो अभी चुल्ली पर चढ़े हुए हैं, दल बदल कानून के तहत उनका संस्था भी चला जाएगा, अभी हम लोग फिर नहीं रहे, जिस दिन फिर जाएंगे तो लोकसभा का सदस्य भी देंगे।